अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ, आप में से जो लोग चीप में विंडोज 10 या विंडोज 11 खरीदना चाहते हैं तो आप लोग हमारे स्पॉन्सर की वेबसाइट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको OEM की 650 रुपए में और रिटेल की 1100 रुपए की देखने को मिल जाती है। और वे अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हो जो कि है TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ, जाकर चेक कर सकते हैं। हे गाइस, मेरा नाम अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए हो सकता है जो लोग मिड एंड सेगमेंट या हाई एंड सेगमेंट का पीसी बिल्ड यूज कर रहे हो। अब रिसेंटली हुआ यह कि मेरे पीसी में कुछ ऐसा हो गया था कि लगभग मुझे 1,00,000 रुपए का झटका मिलने वाला था, लेकिन थैंक गॉड मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज थी तो हम लोग ने यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर लिया। तभी मैंने सोचा थोड़ी बहुत चीज़ें आप लोग के साथ भी शेयर करी जाए ताकि आपका बड़ा लॉस होने से बच सको। अब कुछ दिन पहले की बात है, यहाँ पर मैं अपने पीसी पे डाइंग लाइट 2 खेल रहा था कंट्रोलर का यूज़ करके, तभी देखा क्या मैंने मेरा पीसी रैंडमली अपने आप शट डाउन हो गया। रैंडमली शट डाउन केवल तभी होता है या तो आपके पीसी में कोई हार्डवेयर फेलियर हो कि कुछ हार्डवेयर फेल हो गया हो, अपना पीसी बंद हो जाए अपने आप, या ये चीज़ केवल तभी होती है जब आपका टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि सेफ्टी मेजर्स को देखते हुए आपका पीसी ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाए। शुरू में एक दो बार तो मैंने इग्नोर करा, मैंने सोचा हो सकता हो कोई बगबग की वजह से जो है ऑटोमेटिकली शटडाउन हो गया हो, लेकिन जब ये चीज़ें बार बार होने लगी, ये काफ़ी ज़्यादा हीटिंग पीसी से आने लगी, तभी मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस पीसी पे थोड़ा बहुत स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं इस पीसी पे जो मेरे स्पेक्स है ना वो है राइजन 9 5950X, 128GB रैम और RTX 3090। तो जाहिर सी बात है आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी भी पड़ रही है तो इस वजह से पीसी के जो टेम्परेचर्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा राइज अप हो जाते हैं। अब फिर जब मैंने इस पीसी पे स्ट्रेस टेस्ट चलाया ना तो मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि हमारे पीसी का जो टेम्परेचर था वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा था। इवन रीडिंग ली जब मैंने तो पता चला मेरा जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो था अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास। 120 डिग्री सेल्सियस जैसे ही पीसी हिट कर रहा था पीसी ऑटोमेटिकली शटडाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ TJ Max। TJ Max बेसिकली आपके बायोस के अंदर एक फंक्शनैलिटी होती है, वो आपके टेम्परेचर्स को मॉनिटर करती है। जैसे ही आपका टेम्परेचर TJ Max को क्रॉस करता है तो आपके पीसी हार्डवेयर को बचाने के लिए शटडाउन अपने आप पीसी हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई थी कि ये प्रॉब्लम हाई टेम्परेचर्स की वजह से हुई है। हाई टेम्परेचर्स क्यों हो रहे हैं अब ये चीज़ें हमें ढूंढनी थी। शुरू में मुझे लगा हो सकता हो यार 1-1.5 साल हो चुके हैं लगभग इस पीसी को यूज़ करते हुए, तो शायद थर्मल पेस्ट का कोई लोचा हो सकता हो थर्मल पेस्ट का पापड़ बन गया हो। मैंने सोचा एक काम करते हैं, चलो यार थर्मल पेस्ट को चेंज कर देते हैं। मेरे पास एक थर्मल पेस्ट था जिसका नाम था किंगपिन कूलिंग। ये थर्मल पेस्ट था बहुत महंगा लेकिन थर्मल परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करता है। मैंने नया थर्मल पेस्ट अपने प्रोसेसर के ऊपर अप्लाई करा, सारी चीज़ें वापस से अच्छे से टाइट करी और एक बार वापस से टेस्ट चलाया। फिर यहाँ पर मैंने नोटिस करा कि हमारा जो यहाँ पर टेम्परेचर थे ना वो स्टिल 100+ डिग्री जा रहे थे। तो अब यहाँ पर मेरी खोपड़ी घूमी कि यार अब क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा हो सकता हो यार बायोस में कोई बग हो या विंडोज़ में कोई नया बग आ गया हो जिस वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो इतने ज़्यादा बढ़ रहे हो। मैंने यहाँ पर फिर बायोस सेटिंग खोली, अपने बायोस को रीसेट करा और अपने प्रोसेसर को अंडर क्लॉक कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट राइजन 9 5950X जो प्रोसेसर है ना वो आपको 4.7 GHz 4.9 GHz की फ्रीक्वेंसी ऑफर करता है आउट ऑफ द बॉक्स। और यहीं पे अगर आप थोड़ा सा CPU इंटेंसिव काम करने बैठ जाते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी 5 GHz को भी क्रॉस कर जाती है। तो मुझे लगा हो सकता हो कहीं ऐसा तो नहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हमारा प्रोसेसर ऑटोमेटिकली बूस्ट हो रहा हो इस वजह से हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहे हो। इसी वजह से मैंने अपने प्रोसेसर को अंडर क्लॉक कर दिया 4.0 GHz पे और 1 वोल्ट पे। अब 3-4 दिन बीत चुके थे इस प्रॉब्लम को और ये प्रॉब्लम फिर से वापस से हमारे पीसी पे आने लगी थी। मुझे लगा हो सकता हो भाई कहीं ऐसा तो नहीं है थर्मल पेस्ट ऑलरेडी 2-3 साल पुराना है तो इस वजह से हो सकता है उतना अच्छा थर्मल परफॉर्मेंस ना दे पा रहा हो, एक काम करते हैं नया थर्मल पेस्ट ऑर्डर करते हैं। तभी मैंने यहाँ पर नया थर्मल पेस्ट मंगवा लेता ऑनलाइन जो कि आता है थर्मल ग्रिजली की तरफ से एरोनॉट। ये थर्मल पेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है लेकिन भाई अगर आप बेस्ट थर्मल परफॉर्मेंस चाहते हो तो ये दुनिया का वन ऑफ दी बेस्ट थर्मल पेस्ट है जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो। मैंने इसे मंगवा लिया, अपने कूलर पे लगा लिया, सारी चीज़ें वापस से फिट कर दी एंड गेस व्हाट, टेम्परेचर अभी भी 120 आराम से क्रॉस कर रहे थे। अब यहाँ पर भाई हमारा खोपड़ी घूम गई, मुझे लगा हो सकता हो भाई कहीं ऐसा तो नहीं मदरबोर्ड की कोई IC खराब हो गई हो जो गलत टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रही हो और बार बार हमारा TJ Max की वजह से PC शटडाउन हुआ जा रहा हो। लेकिन ये सब करने से पहले मैंने सोचा एक काम करते हैं कहीं ऐसा तो नहीं CPU कूलर जो हमारा है उसका पंप ही ख़राब हो गया हो। हालांकि नॉर्मली ऐसा होता नहीं है लेकिन चांसेस होते हैं आपके AIO के पंप के ख़राब होने के।
तभी मैंने सोचा एक काम करते हैं, हमने अपने सीपीयू कूलर को चेंज कर देते हैं। मेरे पास कॉर्सेयर के 3 सीपीयू कूलर बहुत पहले से रखे हुए थे, 120mm, 240mm और 360mm के लिक्विड कूलर H150 को मैंने सोचा एक काम करते हैं अपने पीसी में लगाते हैं। ये कोई लेटेस्ट कूलर तो नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे H150i एलीट आ चुका है, आप जाकर उसको भी ट्राई कर सकते हो, उसका भी काफ़ी अच्छा थर्मल परफॉर्मेंस है। लेकिन स्टिल H150 जो CPU कूलर था कॉर्सर का, वो भी एक टाइम पे फ्लैगशिप कूलर हुआ करता था। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, उसको निकालते हैं, अपने PC पे लगाते हैं और सेम थर्मल पेस्ट अप्लाई करके देखते हैं कि हमें रिजल्ट कैसा मिलता है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने अपने CPU कूलर को चेंज कर दिया, जितने भी फैंस की डस्ट थी उनको निकाल दिया, अच्छे से चीज़ों को टाई अप कर दिया और अपने थर्मल पेस्ट को भी चेंज कर दिया विद क्रायोनॉट। डिफॉल्ट मैंने यहाँ पर थर्मल पेस्ट यूज़ नहीं किया था। फिर यहाँ पर जब मैंने स्ट्रेस टेस्ट चलाया ना, तो भाई देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर अब जो हमारा भरी दोपहर में जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो केवल 65 डिग्री सेल्सियस था, जो कि मैं मानता हूँ राइजन 950 के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अंडर कंट्रोल है और पहली सिचुएशन के मुकाबले काफ़ी अच्छा टेम्परेचर अब देखने को मिल रहा है। अब ये वीडियो बनाने का जो मेरा मकसद था ना, वो आप लोगों को केवल ये बताना था कि अगर आप अपने पीसी में AIO यूज कर रहे हो, उसके बावजूद भी आपको हाई टेम्परेचर देखने को मिल रहे हैं, आपने ऑलरेडी अपना थर्मल पेस्ट चेंज कर लिया, आपने अपने कैबिनेट के अंदर के एयर फ्लो को भी मैनेज करने का ट्राई कर लिया, यानी कि फैंस ओरिएंटेशन चेंज करके भी देख लिया, उसके बावजूद भी अगर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप अपने कूलर को एक बार ज़रूर चेक करना, हो सकता हो उसका पंप जो है वो डेड हो गया हो। पास में मैंने एक दो केसेस देखे हैं जहाँ पर इंस्टेंटली ये चीज़ पता नहीं चलती है कि आपका AIO का पंप डेड हो गया है। ये चीज़ें ना आप बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन पे जब आप बेंचमार्क करते हो या स्ट्रेस टेस्ट करते हो, तभी ये चीज़ें आप पता लगा सकते हो, क्योंकि पंप का जो नेचर होता है ना, वो ऐसा होता है कि रेडिएटर के अंदर पंप होता है, कोल्ड वाटर आता है और हॉट वाटर जाता है, लेकिन जब आपका पंप ख़राब हो जाता है तो स्टिल आपका जो है AIO जो होता है वो काम करता है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ नेचर। हॉट वाटर कोल्ड वाटर का जो सर्कुलेशन रहता है वो स्टिल चलता रहता है, लेकिन उतने अच्छे से नहीं चलता जब आपका पंप काम कर रहा हो। तो यहाँ पर आपका प्रोसेसर जो होता है वो कूल तो ज़रूर करता है ख़राब पंप होने के बावजूद भी, लेकिन उतनी जल्दी कूल नहीं हो पाता जितने की उसको रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप यहाँ पर हाई टेम्परेचर फेस कर रहे हो, एक बार अपने कूलर को ज़रूर चेक करना, क्या पता प्रॉब्लम उसमें भी हो। और इनकेस अगर प्रॉब्लम हो तो आप यहाँ पर कॉर्सेयर के कूलर्स को ट्राई कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन कूलर्स का लिंक दिया हुआ, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जाकर चेक भी कर सकते हैं। वेल तो दोस्तों, इस वीडियो में आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं इसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।